नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। अब मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का, उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश आज सुबह की बड़ी खबरें। समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम शिवराज का बड़ा बयान, मध्य प्रदेश में बनेगी कमेटी। आपको बता दें एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त तेवर देखने को मिले जब उन्होंने मंच से सेदवा जनपद सीईओ तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वो बड़वानी के सेदवा में चासरिया गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीईओ राजेंद्र दीक्षित के खिलाफ पीएम आवास योजना लापरवाही और अन्य शिकायतें मिली थी। यहाँ मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्षधर हूँ, मध्य प्रदेश में भी हम कमेटी बना रहे हैं। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कई बार बड़े खेल हो जाते हैं, कुछ जमीन खुद जमीन नहीं ले सकते तो कई आदिवासी ने नाम से जमीन ले ली। कई बदमाश ऐसे भी आ गए जो आदिवासी बेटी से शादी करके उसके नाम से जमीन ले लेते हैं। आज मैं जागरण की अलग जगह नहीं आया हूँ, बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधार हूँ कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज़्यादा शादी क्यों करे कोई, एक देश में दो विधान क्या क्यों चले, एक ही होना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी एक कमेटी बना रहा हूँ, समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में सर्द हवाएं चलने से फिर बड़ी सिरहन। आपको बता दें वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। हवाओं का रुख बार बार बदल रहा है जिसके चलते दिन एवं रात के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक रात के समय हवाओं का रुख उत्तरी हो जाने की वजह से न्यूनतम तापमान में कमी आने लगी है। उधर गुरुवार को मध्य प्रदेश में सबसे कम 6.3 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। न्यूनतम तापमान इंदौर संभाग के जिलों में सामान्य से कम तथा शेष संभागों के जिलों में सामान्य रहे। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजीत शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में एक कमजोर आवृत्ति वाला पश्चिमी विक्षोभ श्रीनगर और उसके आसपास बना हुआ है। ऐसा कार्यक्रम होगी प्रदेश में नर्मदापुरम संभाग उदाहरण बने। आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदापुरम संभाग के बैतूल में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के स्वीकृति पत्र वितरण के पहले कार्यक्रम को उच्च स्तरीय और बेहतर स्वरूप में किया जाए। स्थानीय जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम ऐसा होगी प्रदेश में नर्मदापुरम संभाग उदाहरण बने। मुख्यमंत्री शिवराज निवास करल्ले में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत बैतूल में होने वाले कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे थे। सीएम ने कहा कि बैतूल में होने वाले कार्यक्रम में नर्मदापुरम संभाग के तीनों जिलों बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम हर पंचायत को वर्चुअली जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने तीनों जिलों के कलेक्टर से कार्यक्रम की तैयारियों की संबंधित जानकारी ली। उन्होंने कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हितग्राहियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण हो। नगरीय निकायों के वार्डों में जहाँ कार्यक्रम हो वहाँ पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्वीकृति पत्र वितरित हो। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आवश्यक हो जिससे अधिक से अधिक लोग कार्यक्रम से जुड़ सके। प्रदेश में फिर महंगी होगी बिजली, कंपनियों ने 3.2% टैरिफ बढ़ाने दायर की याचिका। आपको बता दें मध्य प्रदेश में एक बार फिर बिजली का टैरिफ बढ़ाने की तैयारी हो गई है। प्रदेश के तीनों बिजली कंपनियों और मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बिजली की दरें बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के पास याचिका दायर कर दी है। याचिका में बिजली कंपनियों ने 3.2% तक बिजली का टैरिफ बढ़ाए जाने की मांग की है। कंपनियों ने करीब 1500 करोड़ का घाटा बताते हुए बिजली की दरों में इजाफा करने याचिका दायर की है। याचिका मंजूर होती है तो बिजली के टैरिफ में एक बार फिर बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे में प्रदेश में 2-3% तक बिजली महंगी हो सकती है। जल जीवन मिशन की परियोजनाओं को जल्दी से पूर्ण करें। आपको बता दें सीएम शिवराज ने कहा है कि जल जीवन मिशन में स्वीकृति के लिए शेष रही परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति कर ग्रामों में पानी पहुंचाना सुनिश्चित करें। जनता के पैसे का सदुपयोग हो, परियोजनाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। मंत्रालय के अधिकारी ग्राम सभाओं में जाए और क्षेत्र भ्रमण कर प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करें। सीएम निवास कार्यालय में मिशन की परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। सीएम ने कहा कि हर घर जल सर्टिफिकेशन में प्रदेश 34% के साथ देश में तीसरे स्थान पर पहुँच गया है।
बुरहानपुर के बाद अब अगले चरण में निवाड़ी और इंदौर जिले में हर घर नल से जल पहुंचाने का कार्य शीघ्रता से पूर्ण कर लिया जाएगा। मिशन लोगों की जिंदगी बदलने का अवसर, इसे जन अभियान बनाए। प्रदेश में पेयजल नमूनों की जांच बेहतर तरीके से हो रही है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।